Okay, a very good morning to everybody. Today we would discuss invitations and their replies. Okay. Invitations is an important topic and it is normally a compulsory question that comes in your exam. So invitations and replies, invitations are of two types. They are formal as well as informal. मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजे थे. What is the difference between formal invitation and informal invitation? बताओ. आज तो ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन तो सिर्फ एक ही बच्चा है. बोलो स्पीकर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, फॉर्मल इनफॉर्मल में क्या फ़र्क होता है बेटा? आपने देखा है कि आपको किसी की शादी के लिए, किसी की कोई सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली के लिए जो इन्विटेशन आता है वो एक नॉर्मली प्रिंटेड कार्ड के फॉर्म में होता है ना. सो दैट इज़ फॉर्मल इन्विटेशन. ठीक है, इट इज़ इधर प्रिंटेड कार्ड और इफ इवन इफ इट इज़ अ लेटर, इट इज़ इन द इट इज़ इन अ फिक्स्ड फॉर्मैट. फिक्स फॉर्मेट में लेटर होगी या फिर प्रिंटेड कार्ड होगा. ठीक है, और जो आपका इनफॉर्मल इनविटेशन होगा वो होता है लेटर फॉर्म में, अ टाइप ऑफ अ शॉर्ट लेटर. ठीक है, और इवन अ नोट इन फ्री हैंड राइटिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज इनफॉर्मल. ठीक है, और जो फॉर्मल इनविटेशन होता है वो हमेशा थर्ड पर्सन में होता है. अगर आपने कोई कार्ड देखा है तो उसमें ऐसे कैसे कैसे शुरू करते हैं, मिसेज एंड मिस्टर डैश एंड डैश, दे सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ओकेजन ऑफ दिस. मतलब हम ये नहीं लिखते कि आई इन्वाइट यू. ठीक है, हम किसकी तरफ से लिखते हैं, थर्ड पर्सन. ठीक है, मिसेज एंड मिस्टर दिस एंड दिस. ठीक है, तो हम किसको फॉर्मल इन्विटेशन, कैन बी सेंड टू रिलेटिव्स, इट कैन बी सेंड टू फ्रेंड्स, इट कैन बी सेंड टू अक्वेंटेंसेस. और जो फॉर्मल इन्विटेशन के ओकेजन्स होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, दे कैन बी बर्थडेज, दे कैन बी वेडिंग्स, दे कैन बी हाउस वार्मिंग पार्टी, दे कैन बी इनॉग्रेशन ऑफ ऑफिस, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप, यू नो सम प्रोग्राम, सम फंक्शन इन स्कूल. तो उसके फंक्शन एट स्कूल, उनके लिए हम क्या बनाते हैं, फॉर्मल इन्विटेशन. ठीक है, एंड देर इज नो यूज ऑफ एनी सेल्यूटेशन. जो फॉर्मल इन्विटेशन होती है उसमें आप डियर सर, डियर मैम, ठीक है, डियर फ्रेंड, डियर फादर नहीं होता, क्योंकि वो इनफॉर्मल में होगा, वो लेटर फॉर्म में. ठीक है, एंड इट इज एंड दे आर ऑलवेज इनक्लोज इन अ बॉक्स. ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है अबाउट फॉर्मल इन्विटेशन. ठीक है, इनफॉर्मल इन्विटेशन लेटर फॉर्म में है, सो इट इज रिटन इन फर्स्ट पर्सन. आप लेटर किसी को लिखोगे ना तो आप ये लिखोगे, आई एम इन्वाइटिंग यू, आई हेयर बाय इन्वाइट यू to this and this function, ठीक है, to join us, to grace the occasion. So वो आई से शुरू करोगे, so that means it is in first person. It is also sent to relatives, friends and acquaintances. Occasions कुछ भी हो सकता है, कोई भी occasion हो सकता है, general get together हो सकती है, birthday हो सकता है. ठीक है, और उसमें friendly और personal touch होता है जो कि informal में होगा. ठीक है, एक personal सा touch होता है किसमें, informal invitation में. Salutation होती है उसमें, और this is also enclosed in a box. तो आपको इनविटेशन का क्वेश्चन जो आएगा आपने बॉक्स बनाना ही बनाना है, बॉक्स में डालना है, क्योंकि नहीं तो आपके मार्क्स आ जाएंगे. ठीक है, गॉट इट. तो ये डिफरेंस है दोनों में. मैं कुछ सैंपल्स आपके साथ अभी डिस्कस करूंगी, और रिप्लाइज भी सेम होती हैं. ठीक है, यू कैन कम, ठीक है, यू वुड बी एबल टू जॉइन दैट पर्सन इन फॉर दैट ओकेजन. सो आप ठीक है उस हिसाब से रिप्लाई लिखते हो, वो भी फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं. ठीक है, यू वोंट बी एबल, यू रिग्रेट दैट यू वोंट बी एबल टू जॉइन, फिर आपने रिप्लाई भी वैसे लिखना, वो भी फॉर्मल इनफॉर्मल होते हैं. और आपको क्वेश्चन में नॉर्मली मेंशन होता है ये कि राइट अ फॉर्मल इनविटेशन और राइट अ फॉर्मल रिप्लाई. ठीक है, अगर ना लिखा हो आपकी मर्जी है, चाहे आप लेटर फॉर्म में लिख दो, चाहे आप प्रिंटेड कार्ड फॉर्म में लिख दो, अगर मेंशन नहीं है नॉर्मली मेंशन होता है. अगर रिप्लाई आती है तो भी मेंशन होता है, अगर इन्विटेशन आता है तो भी मेंशन होता है. तो मतलब एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल, रिप्लाई में क्या आएगा, एंड यू हैव टू गिव रीजंस. ठीक है, यू एक्सेप्ट द इन्विटेशन एंड यू वुड बी ग्लैड टू ज्वाइन. ठीक है, मतलब आप एक्नॉलेज करते हो दैट यू हैव रिसीव द इन्विटेशन एंड यू थैंक, यू एक्सप्रेस प्लेजर दैट यू आर इन्वाइटेड. ठीक है, एंड यू कन्फर्म इफ यू आर गोइंग, देन यू कन्फर्म योर अराइवल, एंड इफ यू वोंट बी एबल टू ज्वाइन देन यू रिफ्यूज वेरी पोलाइटली बाई गिविंग रीजन, यू रिफ्यूज इफ यू आर नॉट गोइंग. ठीक है, समझ आ गई बात आपको? ठीक है, सो फॉर्मल इनविटेशन में होस्ट का नेम आएगा, डेजिग्नेशन आएगा. स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन क्या होता है फॉर्मल इनविटेशन में, डैश एंड डैश रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, और डैश एंड डैश सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस. आपने जो भी कार्ड्स देखे हैं, एक फिक्स सा फॉर्मेट होता है ना, नॉर्मली वैसे ही लिखे जाते हैं वो. ठीक है, सो पर्पस देते हो आप, पर्पस क्या है, वेडिंग है, बर्थडे है, क्या है. ठीक है, रीजन देते हो, ओकेजन देते हो. ठीक है, डेट, टाइम, डेट, सब, प्लेस, वेन्यू, ये सब मेंशन होगा. ठीक है, ये मैं फॉर्मल इन्विटेशन आपको बता रही हूँ. और मेंशन ऑफ स्पेसिफिक गेस्ट, अगर कोई स्कूल का एनुअल फंक्शन है तो कोई चीफ गेस्ट है, कोई वीआईपी है, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड तो वो आप लिखते हो. एंड देन आरएसवीपी,
RSVP इज अ फ्रेंच फ्रेज होता है, पर उसका मतलब होता है रिस्पॉन्ड इफ इट प्लीजेज यू. ठीक है, RSVP वैसे ये फ्रेंच फ्रेज है. ठीक है, मीन्स रिस्पॉन्ड इज, उसमें को नहीं आती फ्रेंच. ठीक है, सो मतलब इसका मीनिंग इंग्लिश में मैं आपको ये बता रही हूँ, इट इज रिस्पॉन्ड इफ यू, इफ इट प्लीजेज यू. ठीक है, सो एन RSVP इज असेंशियल, एंड वाई इज इट असेंशियल, एट सर्टन पार्टीज, पार्टीज में असेंशियल होता है, वेयर यू नीड टू नो एग्जैक्टली हु विल कम. तो वो पहले ही आपको मतलब रिस्पॉन्ड करके बता देंगे कि वो आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, सो दैट यू कैन ऑर्गेनाइज योर फंक्शन वेल. ठीक है, अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द कन्वीनियंस और योर कन्वीनियंस. तो आपको पता होगा, आप उसके हिसाब से पता है कि 25 गेस्ट आने, 30 आने, 50 आने, 100 आने, 500 आने, तो वो अगर रिस्पॉन्स करके आपको बता देंगे तो आपके लिए भी कन्वीनियंट रहता है. ठीक है, एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ द होस्ट इज रिक्वायर्ड, एंड यू हैव टू पुट द इन्विटेशन इन अ बॉक्स. ये मैंने आपको बता दिया है. इट इज ऑलवेज इन द थर्ड पर्सन रादर देन फर्स्ट पर्सन, एंड इट इंक्लूड्स द फुल नेम ऑफ द इवेंट्स होस्ट. जो भी होस्ट है उसका पूरा नाम आएगा. ठीक है, जैसे मिस्टर, मिसेज एंड मिस्टर कुलवंत राय धवन, पूरा नाम लिखना है. मास इंग्लिश वी राइट द नेम ऑफ फीमेल इनवाइटी बिफोर द नेम ऑफ मेल इनवाइटी. तो मिसेज एंड मिस्टर लिखते हैं हम. ठीक है, मिस्टर एंड मिसेज भी लिख देते हैं, उसमें मार्क्स काटेंगे नहीं आपके. ठीक है, ये चेंज होता रहता है. ठीक है, कभी कहते हैं मिस्टर एंड मिसेज, कभी कहते हैं मिसेज एंड मिस्टर, सो इट इज, उसके मार्क्स नहीं काटते. ठीक है ना, सो फॉर्मेट होगा इसका और कुछ सैम्पल्स होंगे, और मैंने आपको इनफॉर्मल इनविटेशन में क्या क्या होगा वो भी बता देती हूँ. देन आई विल डिस्कस, आई विल शो यू वेरियस सैम्पल्स. ठीक है, इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, मैंने आपको पहले भी बता दिया. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू एबल टू हेयर माई वॉइस, एम आई ऑडिबल? ओके, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा. ठीक है, सो इट इज रिटन इन अ लेटर फॉर्म. देन सेंडर्स एड्रेस मेंशन होता है, पर रिसीवर्स एड्रेस नहीं मेंशन होता. डेट टाइम ऑफ राइटिंग द इन्विटेशन होता है, सैल्यूटेशन होता है, डियर दिस एंड दिस, एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज देयर. लेटर जैसे आप लिखते हो, योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज किस में होगा? इनफॉर्मल में होगा. सो आई जस्ट शो यू सम सैम्पल्स, सो थिंग्स वुड बिकम मोर क्लियर, एंड देन आई विल बी शेयरिंग एन असाइनमेंट ऑल्सो विद यू. आई जस्ट रीड इट आउट. मेसर्स श्याम लाल एंड सन्स आर ओपनिंग अ न्यू जनरल स्टोर, गैलेक्सी नॉबल्टीज, इन गीतांजलि इनक्लेव, द्वारका, दिल्ली. The inauguration ceremony is fixed for Sunday, the 19th of October 20- at 11 AM. Prepare a draft of formal invitation. ठीक है, formal invitation letter लिखी हुई है, पर ये formal invitation ज़्यादा card form में ही होता है. ठीक है, तो आपने कुछ चीज़ों को highlight करके bold में भी आप लिख सकते हो. MS Shyamlal and Sons announce the opening of Galaxy. तो आप देखो, ये centrally aligned होता है. आपने जो भी printed cards देखे हैं ना, वो लेफ्ट साइड राइट साइड में नहीं होते, वो उनकी सेंट्रल अलाइनमेंट होती है. तो अपने उसी हिसाब से लिखना है, और थोड़ा सा सुंदर लगे तो इसलिए थोड़ी कुछ बड़े होते हैं लाइंस, कुछ छोटी होती हैं, तो वो आपको पता ही है. जो एस्थेटिकली अच्छा लगे आप उस हिसाब से बनाते हैं उसको. ठीक है, MS श्यामलाल एंड सन्स अनाउंस द ओपनिंग ऑफ गैलेक्सी नॉवल्टीज, अ जनरल स्टोर इन गीतांजलि एनक्लेव, द्वारका, दिल्ली. ठीक है, सो इनॉग्रेशन ऑन, हमने टाइम, डेट, वेन्यू सब बता दिया. संडे द 19th ऑफ अक्टूबर 2022 or whatever, you know, 20- at 11 AM. All are cordially invited. Visit for all kinds of grocery and domestic items. Avail inaugural discount of 10% on all goods. RSVP Galaxy Novelties. ठीक है, ये समझ आ गया आपको? ठीक है, इस तरह से आपके पास भी मेरे invitation cards तो बहुत आते होंगे. ठीक है, अब ये है draft an invitation on behalf of Mr. and Mrs. Raj Karan of 38 Kamal Kunj, Varanasi, which they may use to invite their friends and relatives on the 5th birthday, birth anniversary of their son Nikhil at their residence on 28th of December. ठीक है, तो ये कैसे लिखा है हमने? Mr. and Mrs., Mrs. and Mr. भी लिख सकते हो. Mr. and Mrs. Raj Karan request the pleasure of your benign presence on the auspicious occasion of the 5th birth anniversary. अब 5th birth anniversary, ठीक है, बाकी आपने छोटा छोटा लिख दिया. 5th birth anniversary को आपने बोल्ड में लिख दिया, ऐसे ही निखिल को आपने बॉक्स में डाल के कैपिटल्स में लिख दिया. दिस यू कैन डू ऑन योर ओन. ठीक है, ऑफ देयर सन निखिल एट द रेजिडेंस, एड्रेस दे दिया सारा, एट 4:30 PM ऑन दिस डिसम्बर -- RSVP मिस्टर एंड मिसेज राज करण, और फ़ोन नंबर बता दिया कि फ़ोन पे भी लोग बता सकते हैं, और या फिर लेटर लिख के या फॉर्मल रिप्लाई या इनफॉर्मल रिप्लाई से वो जवाब दे सकते हैं. वॉट इट? ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3.
योर सिस्टर निवेदिता इज गोइंग टू मैरी अखिलेश सन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस एस एम जोशी नैनीताल योर फादर मिस्टर के एस भारद्वाज हैज plans to hold the wedding at Hotel Kunal, New Delhi on 25th of May at 8 p.m. Write a formal invitation on behalf of Mr. and Mrs. K.S. आपने अपनी तरफ से नहीं लिखना, आपने invite किसकी तरफ से भेजना है? अपने father mother की तरफ से, ठीक है? Mr. and Mrs. K.S. Bhardwaj inviting guests to the auspicious occasion. Give other details. Do not exceed 50 words. ठीक है? तो हमने ये कैसे लिखना है? जैसे marriage cards आपने देखे हैं. Mr. and Mrs. K.S. Bhardwaj request the pleasure of your company on the auspicious occasion of the marriage of their daughter Nivedita with Akhilesh, son of Mr. and Mrs. This and This, on Friday, the 25th May 20- at Hotel Kunal, New Delhi. Program kya kya hai? Friday ko reception of barat hai, itne baje dinner, wedding ceremony itne baje. Saturday ko doli itne baje. RSVP mein isme kafi sare logon ke naam bhi aa sakte hain ya ek aadha bhi. Bhardwaj Chemicals, Faridabad. New Cosmetics, New Delhi, फ़ोन नंबर दे दिया विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम ऑल रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. आपने शादियों के कार्ड में देखा होगा ये सब लिखा ही होता है. आर एस वी पी लेफ्ट साइड पे होता है, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम होता है राइट साइड पे. ठीक है, दिस इज एन इन्विटेशन फॉर द वेडिंग सेरेमनी. यू आर अ स्टूडेंट ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर. द स्कूल इज होल्डिंग इट्स एनुअल फंक्शन ऑन सैटरडे द 15th नवंबर एट 11 AM. द HRD मिनिस्टर डॉक्टर MM Joshi has consented to be the chief guest. तो हमें chief guest का भी mention करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि question में already दिया हुआ है. अगर question में बच्चे ना भी दिया हो और school का कोई annual function है या कुछ किसी की चीज़ की inauguration है, ठीक है, जैसे computer lab की inauguration हो रही है कुछ भी, तो भी आप कोई भी chief guest अपने आप से बना के लिख सकते हो. Design an invitation to send to be sent to the parents and other invitees. Do not exceed 50 words. ठीक है, द प्रिंसिपल स्टाफ एंड स्टूडेंट्स ऑफ न्यूटन पब्लिक स्कूल नागपुर सॉलिसिट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द एनुअल फंक्शन ऑफ दिस स्कूल एट 11 AM दिस एंड दिस डेट. डॉक्टर MM Joshi, HRD मिनिस्टर गवर्नमेंट इन इंडिया विल बी द चीफ गेस्ट एंड गिव अवे द प्राइजेस. ठीक है, या आप ऐसे हैज कॉर्डली कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट and would give away the prizes to the students. RSVP, Principal, Newton Public School, and this is the phone number. ठीक है, तो basically आपको समझ में आ गया formal invitation कैसे लिखना है. एक दो और इसके examples हैं, फिर एक दो आपके informal के भी हैं, वो हम discuss कर लेंगे अभी. हाँ, जिस तरह शायद है ना, यू आर द सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा सिविल मेडिकल डॉक्टर्स एसोसिएशन 2345 सेक्टर 15 पंचकुला. You have organized a seminar on AIDS for the members of the association and you have invited a specialist guest speaker. So you have to draft an invitation. ठीक है, अब ये प्लस का साइन बना दिया क्योंकि ये मेडिकल सेमिनार है. ठीक है, we take immense pleasure in inviting all the members of the Haryana Civil Medical Doctors Association to a talk to AIDS, a global concern. On this and this date, at this time, hotel बता दिया, पंचकुला बता दिया, guest speaker कौन होगा ये भी बता दिया आपने. Program will be followed by lunch organized by HCMD Association and this is the address. ठीक है, और यहाँ पे आपने जैसे ये लिखा है ना, we take immense pleasure, तो ये informal हो गया, formally लिख सकते हो उसको. ठीक है, HCMD Associates feel immense pleasure in inviting. ठीक है, थर्ड पर्सन में लिखते हैं हम, या उन्होंने ऐसे वी करके इसको थोड़ा, क्योंकि वहाँ पर ड्राफ्ट एंड इनविटेशन है, उन्होंने मेंशन ही नहीं किया हुआ फॉर्मल है इनफॉर्मल है, तो किसी तरह से भी कर सकते हो. अगर आपको स्पेसिफिकली मेंशन होगा ना फॉर्मल, तो आप थर्ड पर्सन में ही लिखोगे. नहीं मेंशन है तो फिर वो तो कुछ भी चलता है. द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल इज पुटिंग अप द प्ले वेटिंग फॉर गोडॉ. एज सेक्रेटरी ऑफ द क्लब ड्राफ्ट एंड इन्विटेशन इन्वाइटिंग द फेमस राइटर सुधीश गुप्ता टू बी द गेस्ट ऑफ ऑनर. Write the invitation in not more than 50 words. You are Govind or God. So आपने Govind Gauri की तरफ से तो लिखना है, पर ऊपर से ऊपर आपने third person में तो literary club organize कर रहा है. Of this school solicits the pleasure of your company on the occasion of display. Time, date, simple है, सारे same ही है. And who would be the chief guest? आपने उसका नाम लिख दिया and the famous writer. RSVP में आप अपना नाम लिखोगे क्योंकि ये आपकी तरफ से है and you are from this school. And this is the phone number of the school. ठीक है, अब आ गया आपका informal invitation. Write a letter to your friend inviting him on the housewarming ceremony of your newly constructed house. What do you understand by housewarming ceremony? क्या होता है? Get together.
हाँ गेट टुगेदर होती है, जैसे गृह प्रवेश बोलते हैं जिसको, है ना, हाउस वार्मिंग सेरेमनी है, आपने नया घर बनाया है, आप उसके लिए गेट टुगेदर से कर रहे हो छोटी सी, ठीक है। कैसे किया आपने ऊपर, क्योंकि आपका इनफॉर्मली आप इनवाइट कर रहे हो, तो ऊपर एड्रेस है और डेट आएगी, जैसे आप लेटर लिखते हो, देन डियर विनीत आई इन्वाइट यू टू द हाउस वार्मिंग सेरेमनी ऑफ अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन अर्बन स्टेट। द हवन सेरेमनी वुड बी एट 10 AM, इट विल बी फॉलोड बाई लंच एट 1 PM। काइंडली डू ज्वाइन अस ऑन दिस ऑस्पिशियस डे, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई पेरेंट्स एंड क्लोज रिलेटिव्स। अब इसमें क्या गलती है, लेट्स सी हाउ एक्टिव यू पीपल आर, वॉट इज मिसिंग इन दिस, स्पीक अप, सेंडर्स एड्रेस आ गया, सब कुछ है, वॉट इज मिसिंग इन दिस इन्विटेशन, स्पीक अप ऑनलाइन स्टूडेंट्स। मैम डेट यस, कब होनी है हाउस वार्मिंग सेरेमनी, ये तो मैंशन ही नहीं किया, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हैज बीन मिस्ड, और इस पर अगर ऐसे आप नहीं मेंशन करते हो तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना, तो आपने डेट मेंशन करनी है कि कब है, ओके, सो दिस इज इट, योर सिंसियरली भी लिख सकते हो, लविंगली भी लिख सकते हो, ट्रूली भी लिख सकते हो। अब ये है, रोहित हैज गॉट सक्सेस इन CBSE PMT, ठीक है, PMT इज प्री मेडिकल टेस्ट, ठीक है। He wants to celebrate his admission to Shivaji Medical College, Nagpur by throwing a party to his friends. Write an informal, जैसे question में अगर mentioned है informal है तो आप informal letter form में ही लिखोगे, giving details of venue, time and date, do not exceed this. फिर address दे दिए, sender's address आता है इसमें, receiver's address नहीं आता, ठीक है, only sender's address is there. So, dear this, you will be glad to learn that I have secured 80th rank in ठीक है, अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है वो, आप बहुत सारे फ्रेंड्स को इकट्ठा भी एक इनविटेशन दे सकते हो, ठीक है। आई हैव सिक्योर्ड 80th रैंक इन CBSE PMT कॉम्पिटिशन, आई हैव गॉट एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन बता दिया। आई वॉन्ट टू शेयर अ फ्यू हैप्पी मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ इन द कंपनी ऑफ माई ओल्ड फ्रेंड्स एट अ डिनर इन दिस होटल एट 9 PM, अपडेट मैंशन है यहाँ पे, ठीक है ना, थैंकफुली, प्लीज ज्वाइन द सेलिब्रेशंस एंड मेरी मेकिंग, योर्स लविंगली और योर सिंसियरली, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे आप लेटर लिखते हो, पर यहाँ पे आपको मैंने जैसे पहले बताया था सेंडर्स एड्रेस होता है इसमें, ठीक है, बट रिसीवर्स एड्रेस इज नॉट मेंशन, ओनली सेंडर्स एड्रेस इज देयर, प्लस आपको पता ही इनफॉर्मल कैसे लिखते हैं। सो दैट इज ऑल एज फार एज दीज इन्विटेशन वर कंसर्न, आई वुड बी शेयरिंग एन असाइनमेंट, जो असाइनमेंट हमें सेंट्रलाइज टीम से आई है उसमें बहुत सारे इन्विटेशन हैं, तो आप दो दो कर लेना, टू फॉर्मल एंड टू इनफॉर्मल, आई मैंशन इट, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो, दो फॉर्मल कर लो, दो इनफॉर्मल कर लो, सो दैट वुड बी सफिशिएंट। हैव यू फॉलोड इनविटेशंस बच्चे, ऑनलाइन स्टूडेंट, समझ में आ गया आपको? यस मैम। ठीक है, तुषिता को ही समझ में आता है बस, ओके, सो दैट इज ऑल एज फार एज योर सिलेबस इज कंसर्न, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी, यू कैन टेक्स्ट मी, बट ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ओके, आई जस्ट टेक योर अटेंडेंस, सो प्रिपेयर वेल, study well and do well, all the best to all of you, okay।